subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. स्टार प्लस के शो मेहंदी है रचने वाली में अब जल्द ही पल्लवी अपनी दिल की सारी बातें राघव से कहती हुई नजर आ रही है, जिसके साथ ही पल्लवी की सारी बातें सुनकर तो राघव पूरा शौक ही रह जाने वाला है कि पल्लवी आखिर ये क्या कहे जा रही है। होगा यूं कि पल्लवी अपने घर तो पहुंच जाएगी, जिसके बाद दवाइयां खाकर सो रही पल्लवी को कॉल आने वाला है अब राघव की तरफ से, क्योंकि कॉम्पिटिशन वाली सारी साड़ियाँ तो पल्लवी की राघव के घर पर ही छूट गई है, जिसके बाद राघव पल्लवी को फोन करता है ये बताने के लिए कि तुम अपनी साड़ियाँ ले जाओ वरना तुम सुबह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करोगी। लेकिन पल्लवी तो जैसे दवाई के नशे में इतनी ज्यादा हो जाती है कि गलती से कॉल कट करने के बजाय वो कॉल रिसीव कर लेती है और बोलती हुई नजर आती है कि राघव मेरी दुकान से मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, तुम्हारा घर भी मेरा है और मेरी दुकान भी। जिसके बाद तो राघव के जैसे होश ही उड़ जाते हैं कि नींद के मारे ये पल्लवी क्या क्या कही जा रही है, मेरा घर पल्लवी का कैसे हो सकता है। यही बातों ही बातों में पल्लवी ने राघव से ये तो कह दिया है कि अब वो जल्द ही राघव के घर की बहुरानी बन सकती है। तो क्या सच में पल्लवी और राघव की होने वाली है शादी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट से जरूर बताइए कि आपके क्या विचार है और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.